और ये तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पर आर्टिकल लिखती रही हूँ, और तुम लोग किस तरह लोगों की मजबूरियों को बेचते हो सब अच्छी तरह जानती हूँ। राफी से वापस नहीं दूंगी, ये तो बहुत प्यारी है। क्या गारंटी है कि ये औरत बाद में दावा नहीं करेगी इसे वापस लेने का? अफाक। हाँ, क्या? I think I'm pregnant. तू फिकर मत कर, अभी नहीं मरूंगा जब तक उनको अपने सामने शर्मिंदा नहीं देख लेता। अफाक, ये कोई लीगल नोटिस आया है? कैसा लीगल नोटिस? अफाक, इस घर को खाली करने का। अंदर चलो, अंदर चलो, नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगी। चलो अंदर, अंदर चलो। सो रही है? नहीं नहीं, चलो। अरे चा चा, सो रही है? चलो। ये देखो, ये देखो, तुम्हारी बच्ची। बच्ची? बच्ची? हाँ, मेरी बच्ची। सारे मेरी बच्ची मुझसे थी। मैं अपनी बच्ची किसे कभी दूँगी? कोई नहीं लेगा बच्ची नहीं माँ। प्लीज रिलैक्स तो हो जाओ। मैं किसी को नहीं दूँगी अपनी बच्ची। मैं किसी को भी नहीं दूँगी अपनी बच्ची। क्या सोच रहे हैं पापा? सोच रहा हूँ कि मुझे इस शख्स से मिलना हो। क्या मतलब? क्या जरूरत है उससे मिलने की? ओरिजिनल ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अगर उससे मिलना भी हुआ तो हमारा वकील मिल लेगा ना? नहीं पापा, ऐसा लगता है जैसे इस शख्स को जानता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ये काम भी मुझे ही करना होगा। एक्चुअली सर, आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन क्यों? पता नहीं सर। पता नहीं से क्या मतलब? आई नीड अ रीजन। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। लगता है अभी भूखे मरने की नौबत नहीं आई। तो फिर क्या फैसला किया है? किस बारे? आपकी दूसरी शादी के। बस नहीं चल रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसे जान से मार दूं। लेकिन बेटा, इससे क्या होगा? मुझे सुकून मिलेगा टाइम, सुकून मिलेगा मुझे। ये तो एक क्राइम है बेटा, ऐसा सोचते भी नहीं कभी। आप सबने मिलकर मुझे हरा दिया टाइम, हरा दिया। Thank you.
अरे जनाब आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपकी फाइल मेरे सामने पड़ी है। अरे हो जाएगा आपका काम। ना ना, अरे पैसों की कोई बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। अच्छा चले मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। ओके। साकिब इब्राहिम जी, आप कौन? तुम मुझे पहचानते नहीं हो? बिल्कुल नहीं। इस लीगल नोटिस के मुताबिक हमने अपना फ्लैट तुम्हें बेचा, पर तुम अपने सेलर को नहीं पहचानते। ओहो, मिस्टर आफाक। मेरा नाम आफाक है, फाहम उनका छोटा भाई, और तुम गालिबन वही हो जो मेरे बाप के साथ एस्टेट एडवाइजर थे। सही पहचाना आपने। तुम ये हरकत मेरे बाप के कहने पे कर रहे हो ना? हरकत? कैसी हरकत? 6 महीने पहले आपके भाई ने मुझे फ्लैट बेच दिया था और मैंने आपको इसकी पूरी रकम अदा की थी, 50 लाख रुपए। बात खत्म। तुम्हारे ख्याल में किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना इतना आसान काम है? किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आप जैसे शरीफों से अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप मज़ाहमत करेंगे और मैं कोर्ट के ऑर्डर के साथ पुलिस को लेके वहाँ आऊँगा और मसला हो जाएगा। एक बात मरगूब अहमद को जाकर कह दे कि ये फ्लैट मेरे भाई ने अपनी हलाल कमाई से खरीदा है, ये उनकी या उनके बाप की जागीर नहीं है, और हमें कोई जरूरत नहीं है कि इसको कोर्ट में डिफेंड करें हम। ये तो और भी अच्छी बात है, क्या आप कोर्ट में डिफेंड नहीं करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे तुम दोनों? वो मिनाल का चेकअप था डॉक्टर के पास। माशाल्लाह अब ठीक है सब कुछ। चलो अच्छा हुआ। मिनाल तुम जाओ अपने कमरे में, मेरा मतलब है कमरे में जाके आराम करो, थक गई होगी ना। सलमान बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मामा बोलिए। देखो सलमान, मैं जो बात करने जा रही हूँ ना उसे बहुत गौर से सुनना, क्योंकि सोचने के लिए तुम्हें उतना ही वक्त दिया जाएगा जितना तुम चाहोगे। जी कहिए। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मिनाल अब मां नहीं बन सकती, तो फिर क्या सोचा है तुमने? हाँ तो क्या मतलब, आप क्या चाहती हैं मैं उसको छोड़ दूँ? मैंने ये कब कहा कि उसे छोड़ दो? तो फिर देखो सलमान, हम इस घर का वारिस चाहते हैं, इसलिए मुझे ऐसी बहू चाहिए जो इस घर को पोता या पोती दे सके। क्या मतलब है आपका? डैडी मतलब आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं? अरे तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं मॉम, कभी नहीं होगा ये। क्यों नहीं हो सकता? फैसला तुम्हें ही करना है, और फैसला करने के लिए हम तुम्हें वक्त भी दे रहे हैं। अभी तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोच रहे हो। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम मिनाल से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन जिंदगी के भी कुछ तकाजे होते हैं। मॉम मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस, कोई आर्गुमेंट नहीं सुनूंगी, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें फैसला करने के लिए वक्त दे रही हूं। अच्छी तरह से सोचो और सोच समझ कर फैसला करो, लेकिन एक बात याद, जवाब हां में होना चाहिए। जवाब हाँ में चाहिए, सोचने का मौका क्यों दिया फिर?
ये कबीर अली तुम्हारा ही आदमी है ना जो आफाक का अपार्टमेंट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग चले, मैं आता हूं। क्या हुआ? मरहूम अहमद मुझसे ज्यादा ड्रामेबाजी। आहिस्ता आहिस्ता, ऑफिस है। इधर आओ, इधर आओ। देखना से विजय, तू मुझे अच्छी तरह जानता है। मैं जो बात करता हूँ थोक बजा के करता हूँ, ड्रामे नहीं करता। अब बता असल बात क्या है। ये कबीर अली ये तेरा ही स्टेट एजेंट था ना? हाँ, तो क्या किया उसने? आफाक का अपार्टमेंट हथियाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये जरूरत? देख मगरू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू उसे रोक सकता है। हाँ हाँ, तो फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा। क्या बेहतर नहीं है कि यही बात आफाक आकर मुझसे खुद कहे? कम से कम इस बहाने में बाप बेटे के दरमियान बातचीत तो हो सकती है ना। मगर मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि इस सब के पीछे तेरा हाथ है? हुजूर, बातें मत कर नसीरुद्दीन, तू मुझे अच्छी तरह जान। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब से ये लोग गए हैं मेरा घर में दिल नहीं लग रहा। तू कह रहा है मरगूब कह दू? देखो, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं कह रहा हूँ, मगर सच तो ये है कि इतने बड़े घर में मैं अकेला हो गया हूँ। भाई तो तुझे प्रॉब्लम क्या है यार, तू जाके खुद मिल ले उससे। मैं ऐसे वहां नहीं जाऊंगा। अरे मैं कहां कह रहा हूं कि तू उसके फ्लैट में जा, तू उसके ऑफिस में तो जाके मिल सकता है ना उससे। ऑफिस? हाँ हाँ, जहां वो जॉब करता है। हेलो सर। सर आपकी 2 मंथ सैलरी का चेक। 2 मंथ्स की सैलरी का चेक? लेकिन मुझे तो ज्वाइन किए भी 15 दिन मिले। एक्चुअली सर आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं सर। नहीं से क्या मतलब? आई नीड अ रीजन। मुझे रीजन चाहिए कि मुझे टर्मिनेट क्यों किया गया है। सर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज थी कि आपको किसी भी वक्त बगैर किसी वजह के टर्मिनेट किया जा सकता है विद 1 एक्स्ट्रा सैलरी चेक। ऐसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? मैं जाके मिलता हूँ बॉस से पूछता हूँ। सर बॉस ऑफिस से जा चुके हैं। ओके, आई कॉल हिम। सर उनके दोनों नंबर। थैंक यू। जी हाथों पे तूने लकीर और हाथों को बांध दिया। जी हेलो आफाक, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। लगता है अभी भूखे मरने की नौबत नहीं आई। जी हाँ, आपकी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी नौबत नहीं आई अब तक। मेरी कोशिश? 15 दिन में जॉब छोड़वा दिया। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो मालूम नहीं है कि तुम कोई जॉब भी कर रहे हो। आपसे जो होता है आप कीजिए, मेरे हौसले को पस्त नहीं कर पाएंगे आप। आप इतनी जल्दी ऑफिस से? सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। जॉब छोड़ दी है। ये क्या कह रहे हैं आप आफाक? लेकिन
कैसे, क्यों? अब्बा जान ने अप्रोच किया और इस फ्लैट पर भी गंदी नजर आ रही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज कोर्ट में हियरिंग थी, आप गए थे ना? ये लवल सागर के चक्कर, कोई अच्छा वकील हायर करूंगा और देखते हैं क्या होता। तो मैं आप प्लीज खाना लगा दो, भूख लगी है, मैंने लंच भी नहीं किया आज। अभी लगाती हूँ। अरे वाह वकील साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया, पहली ही पेशी में केस सॉल्व। जी वो भी हमारे हक में। वैसे जज माना कैसे? ये गुरु होते हैं साकिब साहब, और अपने गुरु किसी को बताए नहीं जाते। लेकिन आप हमारे तो सारे गुरु जानते हैं। वो आपकी मजबूरी है, वकील से कुछ छुपाया नहीं जाता। सही कहा आपने। ये लीजिए आपका बकाया बैलेंस का चेक। शुक्रिया। अब आप जब चाहें पुलिस को ले जाएं, फ्लैट खाली करवा लें। अभी नहीं, काम के लिए मैंने खास आदमी खाए। बड़ी गहरी सोचो मैं कहूँ। नहीं बस ऐसे ही। तो फिर क्या फैसला किया आपने? किस बारे में? कोई जो मॉम ने कहा था आपकी दूसरी शादी के लिए। छुप छुप कर हमारी बातें सुनती है, बड़ी खराब है। बहुत मामूली खराबी है, मुझमें तो ना जाने कौन कौन सी बुराइयां, कौन कौन सी खराबी। शट अप मीनार। मेरी माने तो हाँ कह दे शादी के। किस्मत भी भरोसा नहीं है या मेरी मोहब्बत भी यकीन नहीं? किस्मत ने साथ नहीं दिया सलमान। किस्मत ने तुम्हें मेरा साथ दिया, क्या ये काफी नहीं? और मामला की ख्वाहिश? तुम परेशान मत, मैं बात कर लूंगा उनसे। और हाँ, अगर आज के बाद तुमने छुप कर हमारी बातें सुनी ना, तो दो शादियां एक साथ कर लूंगा। लेकिन ईमान के ठीक होने का एक तरीका है। अच्छा? अगर हम अपनी मिशा उसके हवाले कर दें तो। अरे बीवी घर में आती है तो खुशकिस्मती लेके आती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया है। और कितनी नौसत समेट के लाओगी उस घर से तुम हमारे लिए? राफी
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। कोर्ट ने ईमान का केस रीओपन करने से मना कर दिया। हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा था, जब तक ईमान ठीक नहीं हो जाती है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर रीओपन नहीं करेगा कोर्ट। लेकिन ईमान के ठीक होने का एक तरीका है। अच्छा वो क्या? अगर उसको उसकी बच्ची वापस मिल जाए तो। और ये बच्ची मिलेगी कैसे उसे? अगर हम अपनी मिशा उसके हवाले कर दें तो। What? क्या कह रही हो तुम, होश में तो हो? मेरा मतलब है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो हम उसे बता देंगे कि हमने उसके इलाज के लिए अपनी बच्ची उसकी गोद में डाली थी। बस सुनी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बच्चों वाली बातें मत करो, वो एक नॉर्मल औरत है। आज हम अपनी बच्ची उसके हवाले कर देंगे, कल को वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो उसको अपनी बच्ची समझने लगेगी। और फिर हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए। ये सोचा कभी तुमने? मेरे यकीन करें राफे, मेरी डॉक्टर आयजा से बात हुई है और उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई है। सुनी, तुम जज्बात में बहुत गलत फैसला कर रही हो। ओके राफे, मुझे उस लड़की पे बहुत तरस आता है, प्लीज। तरस? तुम्हें खुद पर, मुझ पर तरस नहीं आता? अपनी मीशा पर तरस नहीं आता तुम्हें? मैंने कहा ना, प्लीज राफे मेरा यकीन करें, कुछ नहीं होगा मीशा को। सुनी, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। देखिए, अगर मुझे लगा ना कि ईमान हमारी मीशा को लेके पोजेसिव हो रही है तो मैं मीशा को वापस ले आऊंगी। सुनी, देखो एक बार फिर सोच लो। प्लीज राफे, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, प्लीज। ऐसे कैसे चलेगा आप भाई? बाबा जान हमारे खिलाफ मैदान जंग लगा रहे और हमें कि हम अभी तक डिफेंसिव पोजीशन में भी नहीं है। हाँ, हालात तो जंग वाले हैं और उनकी पोजीशन भी काफी काफी स्ट्रांग है। क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, हमें उनसे बात करनी होगी, वरना इस तरह तो वो किसी भी वक्त हमें रोड पे ला सकते हैं। थोड़ा सब्र करो, मुझे जरा हालात को जंग की नजर से देख तो लेने दो। ये तो देख लेने दो कि हम किस किस पोजीशन पे वीक हैं, और अगर हमें अटैक करना ही है तो कहां से और कैसे करना। मजीद सोचने में जो वक्त जाया होगा उससे पहले कहीं हमें शिकस्त ना हो जाए। मेरी बात माने तो हम बाबा जान के पास चलते हैं, जाके उनसे बात करते हैं। यही चाहते हैं वो कि हम जाएं उनके पास, गिड़गिड़ाएं उनके सामने और दोबारा से उनके महकमे में जाएं। ऐसे उनके सामने नहीं जाऊंगा मैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करूंगा और फिर तन के उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ईमान, देखो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अदन। बेटी? हाँ मेरी बच्ची, ये तो मेरी अदन है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो वाकई मेरी बच्ची है, मेरी अदन, मेरी बच्ची तू कहाँ थी?
आयजा हमें उसके पास रहना चाहिए, कहीं वो मिशा को नुकसान ना पहुंचा दे। तुम बेफिक्र रहो, वो कुछ नहीं करेगी, बल्कि वो तो उसे अब फूलों की तरह रखेगी। लेकिन जो फीड करवा रही है क्या वो सही है? क्यों नहीं, ये तो मिशा के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आयजा पता नहीं इसकी बेटी कहाँ होगी, जो हक इसकी बच्ची का है वो मिशा को मिल रहा है। जी माँ। हाँ सलमान बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि शाम को जरा जल्दी घर आ जाना, हो सके तो 5 बजे तक। क्यों मामा, खैरियत? वो तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं घर पर। मामा प्लीज रोक दीजिए उन्हें। सलमान अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी, समझे तुम? मामा आप लोगों ने वादा किया था कि मैं जो फैसला करूंगा वो आप लोगों को मंजूर होगा। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया, गलत बात नहीं करो मुझसे। मामा आपके सामने ही पापा मुझे ऐसे कह रहे थे। लेकिन अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, और तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें शाम 5 बजे से पहले घर वापस आना है, समझे तुम? सॉरी मामा मैं नहीं आ रहा। तुम्हारी इसी जिद की वजह से मुझे हमेशा लोगों के सामने जलील होना पड़ा है। ये गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, इसी वजह से इस रिश्ते के लिए माने। तुम क्या चाहते हो, इन लोगों के सामने भी मुझे जलील करो? इसमें जलील होने वाली कौन सी बात है मामा? क्योंकि तुम्हारी माँ ने उन्हें घर पे बुलाया है, अगर तुम वक्त पे घर नहीं आओगे तो वो लोग क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि मैंने गलत बात की। बस मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी, तुम्हें शाम 5 बजे से पहले घर वापस आना है, समझे तुम? हर वक्त जिद करता रहता है ये लड़का। I'm sorry मनाल, तुम बात समझने की कोशिश करो। शाम को जब मेहमान घर पर आए तो तुम अपने कमरे में ही रहना, कमरे से बाहर मत निकलना। कौन हो तुम लोग और कहां घुसे चले आ रहे हो? शरीफ आदमी लगते हो, ये बताओ शराफत से फ्लैट खाली करोगे या? क्या मतलब, बदमाशी लगी हुई है क्या? कानूनी डॉक्यूमेंट्स भी है हमारे पास, और अदालत का ये फैसला है कि ये फ्लैट हमारे साहब का हुआ। अफाकी ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग? सानी अम्मा मां सुनो, ये ना डॉक्यूमेंट अपने साहब को जाके दे दो और चलो बाहर। शरीफ आदमी थे, शराफा से पेश आते तो ज्यादा अच्छा था। क्या कर रहे हो ये? ये क्या कर रहे हो तुम? खबरदार बचाओ, बचाओ साले, ये पिस्टल मेरे वाले। ये झूठ बोल रहे हैं, पिस्टल मेरा नहीं, इसका है। इसने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं किया इसने। पकड़ लो इसे और ले चलो। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुने, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने। हेलो जी भाभी, क्या कैसे आफाक भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाभी जी जी मैं सलमान से बात करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ सलमान जी। जैसा इन्होंने बताया था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। माशाल्लाह आपका घर भी बहुत अच्छा है, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, और बेटा तो आपका बहुत ही प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान सलमान क्या हुआ मिनाल?
so sorry. Sorry. सलमान, ये मिनाल है, सलमान की पहली बीवी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बस बेचारी की किस्मत खराब है। सुनिए, मैंने आपको समझाया भी था समीरा जी कि ऐसे मौकों पे जब मेहमान आ रहे हों अपनी बहू को मैके भेज दिया कीजिए। ये नेचुरल सी बात है कि हर औरत ऐसा ही रिएक्ट करती, वो अपनी शौहर की शादी को रोकने के लिए ऐसा ही करेगी। देखिए, मैं उसे समझा दूंगी, हैंडल कर लूंगी उसे, लेकिन आप खुदा के वास्ते उन्हें समझाइए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखें, एक तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस तरह की बातें शादी के बाद कैसे मसाइल पैदा करेंगी, और फिर आप ये भी चाहती हैं कि आपकी दोनों बहुएं एक साथ एक ही घर में रहें, ऐसा कहां मुमकिन है समीना जी। मैं हैंडल कर लूंगी सब, लेकिन इस वक्त तो आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि उनकी बेटी इस घर में मेरी बेटी की तरह होगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जरा उन्हें देखती हूँ। भाभी ने बताया कि उनके फ्लैट पे कोई कब्जा करना चाह रहा था, वहीं फायरिंग हुई, सलमान आफाक भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई, आप कुछ करें ना सलमान, प्लीज। चलो मान भी ले तो ये बात सच है, तो क्या कर सकते हम, कुछ भी नहीं। तुम्हारे घर के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि सुलझाते सुलझाते हमारी जिंदगी गुजार जाएगी, तुम दोनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है। अरे लोग मोहब्बत की शादी करते हैं कि हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, लेकिन यहाँ तो जैसे हिमाकत की शादी की गई है, पहले तुम्हारी जान पर हमला हुआ और फिर तुम्हारे बच्चे की जान ले ली गई। अरे बीवी घर में आती है तो खुशकिस्मती लेके आती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया है। और कितनी नौसत समेट के लाओगी उस घर से तुम हमारे लिए, बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें अपने मैके वालों से इतनी मोहब्बत है तो जाओ जाके वहां रहो, अकेली बर्बाद जिंदगी गुजारो जैसे पहले गुजार रही थी। और हाँ, आज के बाद इस घर में तुम्हारे मैके की और वहां की कोई बात नहीं की जाएगी, समझ रही हो मेरी बात। और हाँ, आइंदा मेहमानों के सामने आने की जहमत मत करना, मैं तुम्हें आखिरी दफा फोन कर रही हूँ। और सलमान की शादी के बाद अगर तुमने अपनी सौतन से कोई बदतमीजी की तो उसका नुकसान तुम्हें ही होगा। उस घर में जाते ही तुझे सौतन का पत्ता काटना पड़ेगा, वरना वो तेरा पत्ता काट देगी। हाँ मेरी प्यारी अम्मा, फिकर ना करो, उस सौतन को भी मैं देख लूंगी। जो बात तुझे समझा रही हूँ समझ में नहीं आ रही क्या? अम्मा मैं सुन रही हूँ। सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रहेगी? अरे वो औरत शक्ल से ही बहुत चालाक लगती है, मैं तो पहली नजर में भाग गई थी, पर तेरी सास बहुत भोली भाली है, प्यार मोहब्बत से रहेगी वो तो तेरे हाथ आ जाएगी, लेकिन सौतन से तेरी नहीं बनेगी, ये मैं तुझे बता दूं। उस घर में जाते ही तुझे सौतन का पत्ता काटना पड़ेगा, वरना वो तेरा पत्ता काट देगी। हाँ मेरी प्यारी अम्मा, फिकर ना करो, उस सौतन को भी मैं देख लूंगी। अब मैं जाऊं? पहले कौन सा तू मेरे कहने पे रुकी है? जा। देख लूंगी उस सौतन। पोते की ख्वाहिश में आप लोग मेरी दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को तो देखिए, जैसे लोग होंगे वैसी उनकी सोच होगी,
आप ईमान को ढूंढकर कहीं से भी लेकर आ जाए। देखिए अभी भी तो आपकी बीवी है ना, अगर आपने देर की तो आप लोगों की तलाक हो जाएगी। आफा तुम इसे नहीं जानती, मैं इसकी जान ले लूंगी। परसों निकाह होगा, निकाह घर पर ही होगा, बहुत थोड़े मेहमान होंगे। अगर तुम अपने भाई के घर जाना चाहती हो तो चली जाओ।